हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विक्स हैकर ग्रुप यूट्यूब चैनल और मैं हूं भानु सिंह। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे होगा क्या, जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज मैं अलग एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का भविष्य है ना। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा डेटा होता वो अब सेफ नहीं है और जो हमारी प्राइवेसी वो भी सेफ नहीं, क्योंकि इस पर नज़र रहती है सरकार की, है ना। तो अब इसे हम कैसे छिपा सकते हैं या फिर अपने डेटा को कैसे इनक्रिप्ट रख सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो उसे हम कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट नहीं बोल सकते हैं, ये अलग प्रकार का एक इकोसिस्टम आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम ये काम कैसे करता है, ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है, आपने टोरेंट का नाम सुना होगा, ये भी सेम उसी तरह है, ये भी पीयर टू पीयर ही इंक्रिप्शन करता है। ठीक है, पीयर टू पीयर ही अपना डेटा सेंड करता है। ठीक है, इसका कोई एक पार्टिकुलर सर्वर नहीं होता, ये आपकी हार्ड डिस्क को ही सर्वर बना देता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं पर भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है, उसके सर्वर में अपलोड हो जाता है। बट जब हम इससे किसी से फेसबुक या सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो या कोई भी डेटा अपलोड करते हैं तो क्या करता है, ये हमारे ही हार्ड डिस्क को बना देता है सर्वर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा जो रहता है वो इनक्रिप्ट रहता है और हमारे ही पास रहता है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी को डाटा सेंड करते हैं तो उसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक तो रिसीवर, दूसरा सेंडर, है ना। बट इसमें जो होता है डाटा वो कोई तीसरा व्यक्ति भी देख सकता है, जो हैकर होता है वो देख सकता है। और जो इससे होगा यूटोपिया इकोसिस्टम से, तो इसमें क्या होता है, एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर, वो तो सभी में होते हैं, बट ये जो बीच का डाटा होता है ये उसे इनक्रिप्ट कर देता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हैकिंग की जो आप संभावना बोल सकते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, और हम इसे एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा और इसके अंदर एक वैल्यूड भी है और इनकी एक अपनी करेंसी है जिसका नाम क्रिप्टोन है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का यूज़ ज़्यादा देर करते हैं, यानी 15 मिनट से अलग, तो ये आपके लिए एक करेंसी भी चालू कर देता है। अगर आप इसे 15 मिनट से ज़्यादा चलाते हैं तो आपको क्रिप्टोन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर जो आप इसे 15 मिनट से अधिक चलाते हैं तो आपको इसमें क्रिप्टोन नाम की एक इनकी खुद की करेंसी वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो अलग के फ़ीचर हैं वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। इसमें एक ईमेल सर्विस भी है जो आपको पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफ़र करने को देती है, मतलब बीच में जो होता है इनक्रिप्शन रहता है। ठीक है, जिसे ज़्यादा बिगनर लेवल का जो हैकर होता है, आप प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, हैक नहीं कर सकता, वो मैसेज नहीं देख सकता। ठीक है, और इसमें एक मैसेंजर भी होता है और इसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे आप चैनल बनाकर वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप आज की जानकारी। ठीक है, हमारी समस्या है, आपको ये जो मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।